मशीन है जो इसके पानी की गुणवत्ता चेक करेंगे, इस मीटर से क्या गर्म पानी पीना सही होता है क्या। और फिर तीसरा चेक करेंगे वो जो नॉर्मल चापाकल वाली पानी पानी जो किसी से मांग कर लाया है, तो हम टेस्ट आप घर पर ही कैसे करेंगे सारा कुछ वीडियो जो भी लाने वाला। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, यह मेरे पास TDS मशीन है जो इसके पानी की गुणवत्ता pH मान, पानी कितना शुद्ध है, इसमें क्या क्या अशुद्धियाँ पाई गई है, सारा कुछ इस वीडियो में डील करने वाला हूँ। तो आप वीडियो तक बने रहिएगा। ये आप देख सकते हैं ये TDS मशीन है, आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट अमेजोन आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। किस तरह से यूज करते हैं सारा कुछ आज वीडियो में दिखाने वाला हूँ, वीडियो को स्किप ज़रा भी नहीं कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि ये आपके हेल्थ से जुड़े और भी इंफॉर्मेशन लाता रहूँ और आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें। एक फ्रिज का पानी जो हम लोग आज दिन पर दिन ठंडे पानी का शौकीन होते जा रहे हैं लोग, मतलब घर में ना अपना फ्रिज रखना मतलब जरूरी समझ रहे हैं लोग, तो कभी कभी फ्रिज में रखते हैं पानी और कहीं से थका हारा हुआ कहीं से काम करके आप आए हों तो आपको ठंडा पानी पीने में एनर्जी मिलती है और आपको अच्छा फील होता है, तो आप फ्रिज वाला पानी पीना स्टार्ट करते हो। फिर दूसरी बात, कोई कोई बहुत सा पहले लोग कहते थे कि गर्म पानी पीना पेट के लिए अच्छा होता है पीना चाहिए, तो उस गर्म पानी को भी चेक करेंगे इस मीटर से कि क्या गर्म पानी पीना सही होता है क्या। और फिर तीसरा चेक करेंगे वो जो नॉर्मल चापाकल वाली पानी होती है आप समरसेबुल से जो भरते हो वो वाली पानी, और एक हमारे पास है RO की पानी जो किसी से मांग कर लाया है, तो हमारे पास तो RO कैन नहीं है, तो उनसे मांगा था एक बोतल चेक करने के लिए क्या कौन सी पानी बेटर है। आज इस वीडियो में पता चलेगी फ्रेंड्स और उसकी सच्चाई सामने आएगी आपके सामने कि क्या आप अपने घर में RO लगाए हो वो सही है यह बेकार है। तो आप देखेंगे वीडियो तो पूरा फुल देखना होगा आपको, अगर ज़रा से भी स्किप करा तो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आज वीडियो कुछ हट के फ्रेंड्स, और भी कुछ लाने वाला, ग्लूकोमीटर चार्ज करने के लिए, ऑक्सीजन चेक करने के लिए, आपका ब्लड टेस्ट आप घर पर ही कैसे करेंगे सारा कुछ वीडियो जब भी लाने वाला हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव मिल। मैं यहाँ से चापाकल का पानी ले लेता हूँ, बस इतना काफ़ी है। ये चापाकल का पानी हो गया, मैं इसमें गर्म करता हूँ और बाकी उसमें फ्रिज का पानी, ये फ्रिज खोल लेता हूँ, ये रहे पानी। ये हो गया फ्रिज का पानी और ये मैं पानी गर्म कर लेता हूँ जो उसमें आपको चेक करने के लिए जब बताऊँगा ना उस तो उस टाइम, तो ये पानी गर्म हो रही है अभी कुछ देर वेट कर लेता हूँ। तो ये पानी गर्म हो गया, देख सकते हैं आवाज़ छन छन के आ रही है, तो ये हो गई नॉर्मल पानी, वो फ्रिज का पानी और ये हो गया गर्म पानी। और फ्रेंड्स जो मैं ये लाया था TDS का पानी, वो सॉरी मिनरल वाटर जो बोलते हैं RO का पानी, वो इसमें डाल देता हूँ चौथी गिलास में और चेक करते हैं बारीकी बारीकी से किसका रिजल्ट आता है क्या, कौन सा पानी पीने लायक होता है हम लोग का, वो आज चेक करेंगे। ये तो साइड करता हूँ बोतल और निकालता हूँ अपनी मशीन। फ्रेंड्स सबसे पहले ये मेरे पास नॉर्मल पानी जो चापाकल से भर कर लाया था, तो इसकी हम मशीन से चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर 00 आपका दिख रहे हैं और यहाँ पे दो मशीन दिया, एक होल्ड करने वाला जो मैं होल्ड करके बताऊँगा कि कितना TDS इसका है। ये देखिए ये होल्ड करता है 466, इसकी TDS 466 है, यानी कि आपको पता होना चाहिए 100 से 500 तक अगर रहती है तो पीने के लिए पानी अच्छा होता है,
जो कि ये हम लोग के लिए बेटर है, बहुत ही अच्छी है, चापाकल से भरा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, ये है मेरे पास फ्रिज का पानी, तो इसमें अगर डाल के हम देखते हैं, तो 472 के आसपास है ये। भी सेम टू सेम 466 है, तो दोनों पानी सेम है, दोनों में गुणवत्ता अच्छी है। अगर किसी पानी की TDS 100 से कम हो तो पीने लायक पानी नहीं है, क्योंकि उस पानी की मैग्नीशियम कार्बोनेट मिनरल्स जितने भी होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ आपको पानी पानी यानी कि प्यास बुझाने लायक है। और भी जितने पानी मिलने वाली होती है, मिनरल्स, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, जो भी बिटुमेंस होता है मिलने के लिए, वो पानी से गायब हो जाते हैं और अब पानी किसी काम का नहीं रहता है। तो मैं लास्ट में चेक करने वाला हूँ TDS के पानी, तो देखते हैं उसकी कितनी है वैल्यूनेशन, तो अब देखते हैं उसकी। ये हमारे पास TDS का पानी जो कि इसकी अब चेक होगी, तो ज़रा भी वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, ये चेक होने वाली आपके सामने मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पे है ताकि मीटर में आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए 90 यानी कि 100 से कम है, तो ये TDS कंट्रोलर सही से काम नहीं कर रही होगी, या तो TDS उन्होंने लगवाया होगा तो किन्हीं से वो सलाह लिए होंगे और उनको कोई बोला होगा, सजेशन दिया होगा कि आप 100 से कम करवा लीजिए। ये देखिए सेम टू सेम मैंने डुबा रखा है, ये 90 है, तो ये TDS काम नहीं कर रही है सही से और वो पानी सही नहीं है, पीने लायक नहीं है। तो आप उस TDS के अगर आपके घर में RO कैंट या कोई लगवा रखे हैं तो उसका TDS कंट्रोलर सही से जब जाँच करवाएं, क्योंकि ये पीने लायक पानी नहीं है, सिर्फ आप पी सकते हैं बस, और इसे कोई काम नहीं। जितने भी कार्बोनेट, मैग्नीशियम, मिनरल्स जितने भी हैं सारे कुछ ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ आपको प्यास बुझाने के लिए रह जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप, और ये रहे लास्ट में गर्म पानी, तो ये देखते हैं, देखिए 484, 483, 466, इसमें देख रहे हैं 466, 458, 453, ये देखिए 453, 454, 66, ऐसे करके कुछ बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, गर्म पानी, फ्रिज पानी 441 आ गई है, और ये नॉर्मल पानी चापाकल का सारा कुछ अच्छी है, लेकिन जो RO के पानी तो फेल हो चुके हैं, वो हमारे लिए सही नहीं है। सही हो सकते हैं बशर्ते आप कंपनी से बोलिए कि हमें TDS कंट्रोलर अच्छा से लगवाइए, 100 से प्लस लगवाइए, ताकि आपको जो भी पानी का तत्व जो मिलते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट अच्छे से मिल सके।